अमित विज पठानकोट की गलियां च चुनाव प्रचार कर रहे ने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अज ये गल कही है, अपनी स्टेजा तो भी कह रहे हैं कि कितने है अमित विज, जो कह रहे थे पठानकोट के नौजवानों की नौकरी की, जवाब है थोड़े को? देखो जी, इस तरह नौकरी उपर असी काम कर रहे हैं, सारे नूं पता है, सरकार भी कर रही है। बेसिकली वैसे मुद्दा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटिड होंगे, FDI का कारण होंगे, मगर असी अपने लैवल से मैं इंडस्ट्रीज भी लिया रहा, शहर सोना बना रहे हैं और बिजनेस इतने इनक्रीज कर रहे हैं और टूरिज्म का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। मैं उन्होंने एक ही गल कहना चाहवागा कि तुसी काफ़ी देर दे इतने हो, तुसी दसो किहड़ी इंडस्ट्री लैके आए तुसी, प्लस तुहाडा क्या विजन हैगा कि शहर नूं सोना करके भी व्यापार वधाया जा सकदा, शहर नूं ब्यूटीफुल करके आस पास की पॉपुलेशन नूं शहर के उपर डिपेंडेंट करके, ताकि लोग घूमन आन, इत्थे रहन, इत्थे खाना खान, और सब तो ज़्यादा मैन पावर और इंप्लॉयमेंट जनरेट होंगी है, और उही चीज़ मैं कर रहा। 3 साल इन्हों को कॉरपोरेशन रही, इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। 2 साल तो साढ़े कॉरपोरेशन आई है और 4-5 महीने तुम्हें पता कोरोना भी रहा, मगर तद भी मैं काम नहीं रुकन देते। भाजपा कह रही है कि जो फिरोजपुर के PGI सैटेलाइट सेंटर आ सकते हैं तो असं पठानकोट भी लैके आवेंगे। उन्होंने लैंड चाहिए होंगी और वास्ते, और PGI जो सेंटर है, और बड़ी खुशी की गल है, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से लैके आया और मैं लगता है सैटेलाइट सेंटर वास्ते 100-150 किले चाहिए होंगी है, और जे चन्नी जी ने भी मैं कहूँगा जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मंजूर कर दी है, साड़ी सरकार बनेगी, असं क्यों नहीं लैके आवेंगे, असं नाल मिल के काम करा। स्पोर्ट्स पार्क बारे थोड़े तो सुनया है, की प्रोविजन है जी? देखो, स्पोर्ट्स पार्क मैं बना रहा, एक इनडोर स्टेडियम बनवा रहा, लमिनी जोड़ा कॉलेज है उस 4 एकड़ की लैंड असी ले दी है, और साढ़े स्क्वाश और रैसलिंग यदि कोई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी नहीं है। मैं कोचिस तो तद ही आएंगे ना जो असी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की कोई चीज़ बना सकी, कल्ली दीवारा बिल्डिंगा बना के तो कोई फायदा नहीं है। और मैं हजे तो बच्चों को स्पोर्ट्स वास्ते पार्क्स पुक्स बना रहा, मगर एक इनडोर स्टेडियम बना रहे लमिनी, और एक स्पोर्ट्स पार्क क्रिएट कर रहे हैं वो जिते साडा मेडिकल कॉलेज आना वो कोल। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट।